हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। तो आज हम जो हमारा चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो है मैं आपको इसके नोट्स, मतलब जो इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो देने वाली हूँ, वो बताने वाली हूँ। तो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे, मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पासेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फिल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ अवर फाइव सेंसेस। मतलब कि जो मैटर है उसको वो चीज़ होती है जो स्थान को घेरती है और जिसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं, और जिसका कोई मास होता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है। मतलब मैटर इज अ थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज एनी मास। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को आगे जो है किस टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, मतलब गैस। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड ए सब्सटेंस सेड टू बी सॉलिड इफ इट पासेस अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। कोई भी सब्सटेंस होगा उसको हम सॉलिड कब कहेंगे? तब उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी और एक डेफिनेट शेप होगी। एज लाइक मेरे पास अभी पेंसिल है, तो मेरी पेंसिल क्या है? मेरी पेंसिल सॉलिड है क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। फिर है लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा? ए सब्सटेंस सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर पुट। मतलब लिक्विड वो होते हैं, एक सब्सटेंस को हम लिक्विड तब कह सकते हैं जब उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगी, लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होगी, मतलब शेप निश्चित नहीं होगी। एंड दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट, और वो उसी जो वेसल, बर्तन का स्थान ले लेंगे जिसमें उनको रखा गया है। फिर है गैशियस। A substance is said to be gaseous if it neither possesses a definite volume nor a definite shape. This is because they fill up the whole vessel in which they are put. मतलब जो gaseous है हम उस चीज़ को gas कब कहेंगे? एक substance को हम gaseous तब कह सकते हैं जब ना ही तो उसकी definite volume हो और ना ही उसकी कोई definite shape हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इन्हें जिस भी बर्तन में डालते हैं उस पूरे बर्तन को भर देते हैं, क्योंकि गैस के जो मोलिक्यूल है, अगर वो एक मॉलिक्यूल हमारे यहाँ होता है तो एक मॉलिक्यूल इतनी दूर जाके इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए ही गैस के अंदर डिफ्यूज़न, विसरण का जो गुण है वो सबसे ज़्यादा विद्यमान होता है। तभी जो है हम अगर घर में नीचे बैठे हैं, सपोज़ करो कि आपकी मम्मी ने चावल बनाए हैं और वो आपकी मम्मी ने ऊपर किचन में बनाए, तो आपको नीचे भी उसकी खुशबू आ जाएगी। इसका जो डी पार्ट है वो है हमारा वेपर। वेपर क्या है? सब्सटेंस विच इज़ इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड गैस, बट नॉट वेपर। एग्जाम अमोनिया इज गैस बट वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाटर वेपर। मतलब जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में होता है वो होती है हमारी वेपर्स, और जो अमोनिया गैस है वो एक गैस होती है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। उसके बाद है, आज हमने हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आपको बताऊंगी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये बढ़िया लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।